दोस्तों अभी के टाइम पे 12,000 के प्राइस रेंज में एक दो फोन नहीं बल्कि काफी सारा फोन है, और ज्यादा होने के कारण से हमें कंफ्यूजन भी होता है कि हमारे लिए कौन सा फोन बेस्ट है। और कंफ्यूजन कोई भी हो सकता है, बट ये वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन डाउट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इस वीडियो में मैंने जितने भी स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, ये सभी फोन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज का। मैंने काफी ज्यादा खोजबीन करने के बाद ये पांचों स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं, तो आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा। आपको बता दें कि हमारे लिस्ट के फोन में मैक्सिमम 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिलेगा एंड कैमरा भी काफी बढ़िया होगा। इसके अलावा पावरफुल चिपसेट मिलेगा, अच्छा डिस्प्ले होगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी होगा, बड़ा रैम स्टोरेज होगा एंड फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी मिलेगा। तो अगर आपको अभी के टाइम पे एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए तो आप इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी चाहिए तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो फिर आइए देख लेते हैं आज का वीडियो को। नंबर 5। तो अपने लिस्ट का आगाज आखिरी नंबर वाले फोन से होगा, घटते घटते एक नंबर तक जाएंगे। और इस हिसाब से हमारे लिस्ट का आखिरी नंबर पे आता है वीवो की तरफ से वीवो T1X। ये फोन फिलहाल के टाइम पे 12,000 के आसपास में मिल जाएगा, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये फोन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो फिर आइए देखते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो इस फोन में 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले भले ही LCD हो, बट इसमें 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, और 12,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से ये रिफ्रेश रेट काफी बढ़िया है। बात करेंगे प्रोसेसर का, तो मैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक अच्छा पावरफुल 4G चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि यह चिपसेट 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है और 2,20,000 के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। 12,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से यह प्रोसेसर भी पावरफुल है। अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। आपको बता दें कि यह प्रोसेसर जो है ना मीडियाटेक हेलियो G96 जैसा ही है। बात करेंगे बैटरी का, तो 5,000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को, और 12,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से यह चार्जर ठीक ठाक ही है। बात करेंगे कैमरा का, तो इस फोन के बैक साइड दो ही कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है, और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। इस फोन के बाकी कैमरा के मुकाबले में प्राइमरी कैमरा इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। खैर बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो प्लास्टिक बिल्ड पे ये फोन भी बना हुआ है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 182 ग्राम इस फोन का वेट है, जो कि एक अच्छा लाइट वेट फोन है, और 8mm का थिकनेस है, जो कि पतला ही फोन कह सकते हैं। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है, सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो फन टच OS 12 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। तो फिर चलिए आइए बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन तीन वेरिएंट में आता है। पहला आता है 464, जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 11,999 रुपया है, यानी कि 12,000 रुपया है। दूसरा वेरिएंट है 4128, जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 13,000 रुपया है, एंड आखिरी वाला वेरिएंट है 6128, जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15,000 रुपया है। बट आपको बता दें कि ये फोन को 15,000 रुपया में लेकर आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं है। इस फोन का बेस वेरिएंट ही आपके लिए एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है। खैर अगर आपको 12,000 रुपये में अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। नंबर 4। अपने लिस्ट के चौथे नंबर पे आता है Redmi की तरफ से Redmi Note 11। ये फोन भी फिलहाल के टाइम पे 12,000 के आसपास में ही देखने को मिलेगा। ये फोन थोड़ा सा पुराना जरूर है, बट अभी के टाइम पे भी यह फोन काफी तगड़ा फीचर के साथ आता है। तो फिर आइए देख लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो इस फोन में भी 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, और 1000 nits का पिक ब्राइटनेस भी मिलेगा, और इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है। इसमें कोई शक नहीं है, डिस्प्ले इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा, जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग भी करने में काफी मजा आएगा। ये तो हो गया डिस्प्ले, अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, थर्ड कैमरा फोर्थ कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर है, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, सॉरी सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। इसमें कोई शक नहीं है, कैमरा इस फोन का बढ़िया मिलेगा, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। बात करेंगे परफॉर्मेंस का, तो मैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक अच्छा पावरफुल 4G चिपसेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यह चिपसेट 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, और 2,75,000 के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। इसमें कोई शक नहीं है, 12,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोसेसर पावरफुल है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि यह प्रोसेसर मीडियाटेक हेलियो G96 जैसा ही है। तो इस हिसाब से अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और 2,75,000 के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी बढ़िया है। और बात करेंगे बैटरी का, तो 5,000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से यह चार्जर काफी बढ़िया है, क्योंकि पिछले वाले ही फोन में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे 18W का चार्जर मिल रहा है। इस प्राइस पॉइंट पर ज्यादातर फोन में 18W का चार्जर मिलता है, बट इसमें 33W का चार्जर मिल रहा है, तो काफी अच्छी बात है। खैर बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी का, तो ये फोन प्लास्टिक बिल्ड पे ही बना हुआ दिखेगा। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, की बात डिजाइन वगैरह भी बढ़िया ही लगता है देखने में, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये काम आपका है। एंड 8mm का थिकनेस एंड 179 ग्राम इस फोन का वेट है, यानी कि ये फोन काफी पतला एंड लाइट वेट फोन है, तो ये चीज बढ़िया ही है। और कुछ छोटी मोटी फीचर की बात करेंगे तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक
जैक मिलेगा। इसमें डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप डबल सिमेटिक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। और आपको बता दें कि मैक्सिमम इसमें 512 GB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। IP53 का रेटिंग है एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी मिलेगा। तो फिर चलिए आखिरी में बात कर लेते हैं फोन का प्राइस का। तो ये फोन भी 3 वेरिएंट में आता है। पहला आता है 464 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 12,300 रुपया है। दूसरा वेरिएंट है 664 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 12,700 रुपया है। तीसरा वेरिएंट है 628 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 14,300 रुपया है। बट आपको बता दें कि इस फोन का बेस वेरिएंट ही आपके लिए अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है, बिकॉज 14,000 रुपया में इससे भी अच्छा फोन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये फोन को लेने का कोई मतलब नहीं बनता है 14,000 रुपया में। खैर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। नंबर 3। अपने लिस्ट के तीसरे नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटरोला G52। फिलहाल के टाइम पे यह फोन आपको 11,000 रुपया में मिल जाएगा और यह फोन एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो फिर आइए बताते हैं क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है। तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ यह फोन भी है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है और बाकी बात डिजाइन वगैरह काफी खूबसूरत लगता है देखने में, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और वेट और थिकनेस इस फोन का काफी बढ़िया, आई मीन ये फोन एक अच्छा लाइट वेट फोन है क्योंकि 169 ग्राम इस फोन का वेट है, 7.9 mm का थिकनेस है जो की काफी कम है। इसके अलावा 3.5 mm वाला जैक मिल जाएगा, हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और यह फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 12 पर। अगर आपको इस प्राइस रेंज में एक अच्छा क्लीन यूआई वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो इसके लिए भी यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इस फोन का मेन मेन फीचर्स का। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक अच्छा पावरफुल 4G चिपसेट देखने को मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है प्रोसेसर इस फोन का भी काफी पावरफुल है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग इस फोन में भी कर सकते हैं। प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और 2.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी बढ़िया है। बात करेंगे बैटरी का, तुम्हें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33 वाट का चार्जर को एंड 12,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से ये चार्जर काफी बढ़िया है। बात करेंगे कैमरा का, तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा यानी कि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 MP का है, थर्ड कैमरा 2 MP का है जो कि माइक्रो सेंसर है और सेल्फी कैमरा 16 MP का दिया गया है। कैमरा इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया मिलेगा। अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन भी चाहिए तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पर। तो नो डाउट कैमरा इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो इस फोन में 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो फिर आइए बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का। तो यह फोन भी 2 वेरिएंट में आता है। बेस वेरिएंट को लेने के लिए 464 वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे 10,999 रुपया देना होगा यानी कि फिलहाल के टाइम पे 11,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। इस फोन का और एक वेरिएंट आता है 628 जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 13,000 रुपया है। तो अगर आपको अभी के टाइम पे 12,000 के अंडर में एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर वीडियो में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपना लिस्ट का अगला फोन का। नंबर 2। अपने लिस्ट के सेकंड नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 50। नॉर्मली यह फोन 13,000 के आसपास में खुलेआम बिकता है बट फिलहाल के टाइम पे 11,000 के आसपास में ही देखने को मिलेगा। और ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनको एक अच्छा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए। तो फिर चलिए देख लेते हैं क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 8.5 mm का थिकनेस एंड 194 ग्राम इस फोन का वेट है। डिजाइन काफी बढ़िया लगता है और वेट और थिकनेस भी ठीक ठाक ही है। और कुछ बेसिक फीचर की बात करेंगे तो 3.5 mm वाला हेडफोन डेडिकेटेड दिया गया है जिससे आप डबल सिमेटिक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो रियलमी UI 2.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। तो फिर चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन मेन फीचर्स का। तो इस फोन में LCD डिस्प्ले मिलेगा, जी हां दोस्तों 6.6 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले दिया गया है। बट इसमें 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। और ये स्मूथनेस जो है ना 11,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से काफी तगड़ा स्मूथनेस है एंड जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। और 480 nits का ब्राइटनेस भी मिलेगा। खैर ये तो हो गया डिस्प्ले, नो डाउट काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन में भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, सेकंड कैमरा, थर्ड कैमरा 2-2 MP का है जो कि माइक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर है और सेल्फी कैमरा 16 MP का है। इसमें भी कोई शक नहीं है 11,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा काफी बढ़िया मिलेगा। बात करेंगे प्रोसेसर का, तुम्हें MediaTek Helio G96 वाला एक अच्छा पावरफुल गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगा। प्रोसेसर हालांकि 12 नैनोमीटर पर ही बना हुआ है बट प्रोसेसर काफी
काफी पावरफुल है जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग इस फोन में कर सकते हैं। और 3.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर काफी ज्यादा है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको एक अच्छा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करेंगे बैटरी का, तो 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का डार्ट चार्जर को। ये चार्जर आपको बॉक्स के अंदर में ही देखने को मिल जाएगा और 12000 के प्राइस रेंज के हिसाब से ये चार्जर भी काफी बढ़िया है। बात करेंगे रैम स्टोरेज का, 4GB का रैम 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। अगर आप चाहे तो मैक्सिमम 256GB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। तो फिर चलिए आखिरी में बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो वैसे तो ये फोन दो वेरिएंट में आता है, बट इस फोन का बेस वेरिएंट आपके लिए एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है, बिकॉज बेस वेरिएंट फिलहाल के टाइम पे 11500 के आसपास में देखने को मिलेगा। इस फोन का टॉप वेरिएंट है 628, जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 15500 के आसपास में है। और आपको बता दें कि 15000 रुपया में इससे भी अच्छा अच्छा फोन देखने को मिल जाएगा, इसलिए अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो इस फोन का बेस वेरिएंट को ही लीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते अपने लिस्ट का आखिरी एंड सबसे बेस्ट फोन का। नंबर एक, अपने लिस्ट का आखिरी एंड सबसे बेस्ट फोन आता है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 4G। जी हाँ दोस्तों, ये फोन फिलहाल के टाइम पे 11000 के आसपास में ही देखने को मिलेगा। ये फोन इस प्राइस रेंज का सबसे तगड़ा एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन है और आपको बता दें कि इसके जैसा कोई भी फोन नहीं है इस प्राइस रेंज में। फिर क्या स्पेसिफिकेशन है चलिए जानते हैं। तो इस फोन में 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी दिया गया है और इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। डिस्प्ले काफी बढ़िया है जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग भी करने में काफी मजा आएगा। बात करेंगे कैमरा का, तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा, यानी कि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8MP का है, थर्ड कैमरा 2MP का है और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। आप इन कैमरा से यानी कि रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। इसमें कोई शक नहीं है कैमरा इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, तो इस फोन में MediaTek Helio G96 वाला एक अच्छा पावरफुल गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगा और 3.5 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। बात करेंगे बैटरी का, 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। और बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ ये फोन भी है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.08mm का थिकनेस एंड 179 ग्राम इस फोन का वेट है। फोन काफी पतला एंड लाइट वेट फोन है। कुछ छोटी मोटी फीचर की बात करेंगे तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिमेंटिक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। इसमें फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। और ये फोन MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। इसमें 6GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। ये इस फोन का बेस वेरिएंट है और ये फोन फिलहाल के टाइम पे आपको 11000 रुपया में मिल जाएगा। तो इस फोन का और भी वेरिएंट है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पास 5 ऑप्शन है, आप अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी भी फोन को ले सकते हैं। ये सभी फोन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है।